वहीं स्वतंत्रता दिवस की शाम जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने दो अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक के घायल होने की खबर है। बड़गाम के गोपालपोरा चंदूरा इलाके में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, जिसमें एक नागरिक करण कुमार सिंह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आतंकियों ने पुलिस नियंत्रण कक्ष कश्मीर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गया है। इस घटना के बाद इलाके की घेराबंदी की गई, पुलिस ने इसकी जानकारी दी है।